हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ चोको चिप्स की रेसिपी। केक हो, आइसक्रीम हो, कुकीज़ हो, ऐसे कई चीज़ों में हम चोको चिप्स का इस्तेमाल करते हैं और इसे बहुत ही आसानी से हम घर पर बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। चोको चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गैस पे एक बर्तन रखेंगे, इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया है, अब इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे। ध्यान रखिए, बाउल पानी से टच नहीं होना चाहिए। इसमें डालेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट और इसे धीमी आंच पर हमें मेल्ट करना है। ध्यान रखिए, आंच को तेज नहीं रखना है, वरना चॉकलेट हार्ड हो जाएगी और अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। चॉकलेट मेल्ट होने लगी है, आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। इस तरह की हमें मेल्ट कर लेना है और इसे ठंडा होने देंगे 3-4 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने इस तरह की दूध की थैली ली है। एक ग्लास लेंगे और इसमें हम दूध की थैली को इस तरह से डाल देंगे और चॉकलेट भी ठंडी हो गई है और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई। आप देख सकते हैं इस तरह का गाढ़ा रखना है हमें। चॉकलेट को हम इसमें डाल देंगे। और इस तरह से इसका कोन बना लेंगे। इसके पीछे रबर बैंड या धागा से इसे बांध ले और इस तरह का कोन बनाकर तैयार कर ले। मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल लिया, इसके ऊपर हम चोको चिप्स बनाएंगे। आप बटर पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं। और कोन को आगे से थोड़ा सा काट लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं काटना है, थोड़ा सा ही काटना है। और इसके ऊपर हम चोको चिप्स बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम बनाना है, ऊपर से थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। आपको लगे कि ज़्यादा पतला है तो थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ दें और थोड़ा गाढ़ा होने के बाद फिर से बनाए, जिससे कि इस तरह उठा हुआ बने। क्योंकि ज़्यादा पतला रहेगा तो ये फ्लैट बनेगा, उठा हुआ नहीं बनेगा। और इस तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है। सभी चोको चिप्स बनकर तैयार है। इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट हो गए, मैंने इसे फ्रिज से बाहर ले लिया है और ये अच्छे से सेट हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने आसानी से निकल रही है। इस तरह से हम सभी को निकाल लेंगे इसमें से। इसे हम कांच के बाउल में ले लेंगे। फ्रेंड्स, चोको चिप्स बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट की जैसी बनी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।